कि जो वाकयन तमाम माना में हमारे लिए हाकिम मुतलक बन के आया था, आज उस अली की हुकूमत हम पे कितनी। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन दो मुनासिबतों की शब है इत्तिफाक से, बाज मजलूमियत में दोनों बराबर की शरीक। कुरान हमारे दरमियान उस किताब का नाम है कि जो इसलिए नाजिल हुई है ताकि कुरान हमारे दरमियान अमली हो सके, प्रैक्टिकली हो सके, हम कुरान पे अमल करें, इसलिए कुरान नाजिल। हम कुरान का नाम लेते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम कुरान को हिफ्ज करते हैं, हम कुरान की हवा लेते हैं, हम कुरान का पानी पीते हैं, हम कुरान को सर पे रखते हैं, हम कुरान को गले में टांगते हैं, हम कुरान को दरवाजे पे रखते हैं, सिवाय हिदायत लेने के बाकी सारे काम। समाज का क्या माहौल, माशरे में कुरान का क्या रोल, किस हद तक कुरान हमारी ज़िंदगी में दखील। इसी तरीके से ज़ात अली इब्न अबी तालिब को आप देखिए, अली किस लिए आए थे, अली किस लिए हमारे इमाम बने थे, मैदान गदीर में रसूल ने मौलाए कायनात को क्यों हमारा वली करार दिया था। हम अली का नाम लेते हैं, नाम अली पे बड़ा मज़ा आता है, खुश होते हैं, अली के नाम पे नारे लगाते हैं, अली के फजाइल सुन के बहुत खुश होते हैं, अली के नाम से बरकतें हासिल करते हैं, अली के जिक्र से दुआओं को पूरा करते हैं, अली के तवस्सुल से अपनी हाजात को पूरा करते हैं, सिवाय अली के नक्शे कदम पे चलने के बाकी सब करते हैं। जो जुल्म कुरान के साथ है वही जुल्म अली। कुरान का भी नाम लेते हैं, अली का भी नाम, कुरान भी पढ़ते हैं, अली के वाकयात भी पढ़ते हैं, कुरान को भी देखते हैं, अली के फजाइल को भी देखते हैं, कुरान के किस्से सुनते हैं, अली की सीरत को सुनते हैं, लेकिन जब अमल की मंजिल आती है ना कुरान पे अमल करते हैं ना सीरत अली। ये दो ऐसी मुश्किलें हैं कि जो एक तरफ से कुरान के साथ और एक तरफ से अली, दरवाकी हमारे साथ, ये हमारी मुश्किल है, कुरान की मुश्किल नहीं, अली की मुश्किल नहीं। हमने पहले आपसे अर्ज किया कि हम उस शब में हैं जिस शब का ताल्लुक डायरेक्ट एक तरफ से कुरान से है, क्योंकि शब नुज़ूल कुरान है, शब कदर है। एक तरफ से इस शब का ताल्लुक शब ज़रबत से है, यानी ज़ात अली इब्न अबी तालिब से।